फरुखाबाद में लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी की चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चौकीदारों को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने केंद्र में मोदी को चौकीदार और यूपी में सीएम योगी को ठोकीदार बताया। नवाबगंज के ग्राम अचरा में आयोजित हुई जनसभा में पूर्व सीएम की पत्नी डिंपल यादव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और वोट की अपील की है। अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली में चाय वाले हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम यदि वह चाय वाले हैं तो हम दूध वाले हैं। सपा की सरकार में युवाओं को पुलिस में नौकरी दी गई, लेकिन योगी सरकार ने उन्हें बेरोजगार किया। नोटबंदी में उनका कारोबार चला गया, किसान बर्बाद हो गया। केंद्र सरकार ने आलू किसानों की कोई सुध नहीं ली। सरकार ने कहा कि आलू खरीद लेंगे, लेकिन भाजपा ने आलू खरीद नहीं की। अखिलेश ने कहा कि जिस रास्ते पर भाजपा चल रही है उसमें युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। भाजपा ने 5 सालों में कोई भी काम नहीं किया है। सफाई अभियान के नाम पर दिल्ली से लेकर न जाने कहां कहां से किस किस ने झाड़ू पकड़ी, लेकिन सफाई नहीं हुई। भाजपा की बात शौचालय से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती है। कांग्रेस 1 शौचालय बनाती थी, भाजपा 2 गड्ढों वाला शौचालय बना रही है, लेकिन उसमें पानी किसी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चौकीदार केंद्र में बैठा है और ठोकीदार यूपी में है। ठोकीदार को यह नहीं मालूम कि उनकी पुलिस को किसे ठोकना है और किसे नहीं। भाजपा के सांसद व विधायक एक दूसरे को 21 जूतों की सलामी दे रहे हैं और मीडिया 11 लिख रही है। बाबा जी योगी हनुमान जी की जाति बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब बदलाव चाह रही है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोहिया जी कर रहे थे, जो आदरणीय नेताजी ने और माननीय काशीराम जी ने गठबंधन किया था, उसी गठबंधन को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महागठबंधन है ये, और ये महागठबंधन ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कभी भाषण सुनना, वो शौचालय से शुरू करते हैं, शौचालय में खत्म हो जाता है उनका भाषण। और क्या शौचालय बनाए, आप होंगे गांव वाले किसान भाई, कुछ प्रधान भी होंगे। ये कांग्रेस वाले बनाते थे 1 गड्ढे का शौचालय, कांग्रेस बनाती थी 1 गड्ढे का शौचालय, और भारतीय जनता पार्टी बना रही है 2 गड्ढे का शौचालय। क्या ये सच नहीं है, बताओ हमारे गांव में रहने वाले लोग। और के लिए आपने खाद या यूरिया ली होगी, तो बताओ 5 किलो कम मिली कि नहीं मिली आपको। आपके खाद की बोरी से 5 किलो की चोरी हुई कि नहीं हुई। और किसानों की आय और पैदावार का सही मूल्य नहीं मिला, उसमें भी चोरी हो गई। और बताओ नौजवान साथियों, नोटबंदी से और जीएसटी लागू करने से आपकी नौकरियां और रोजगार चोरी हो गए कि नहीं हुए? तो जब ये बात जान गए हो तो बताओ चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? ये महा मिलावट गठबंधन नहीं है, ये महापरिवर्तन वाला गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगा। ये जमीन पर रहने वाले लोगों का गठबंधन है। ये डरा के राजनीति कर रहे थे, ये डरा के नफरत फैलाकर। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए इंद्रेश कुमार के साथ अश्वनी जयवीर की रिपोर्ट, कायमगंज फरुखाबाद। जनपद लखीमपुर खीरी के भीरा कस्बे में रेलवे स्टेशन मैदान में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें बरेली और दिल्ली से चलकर आए हुए कलाकारों द्वारा बाबा के भजनों व गुणगान एवं सुंदर झांकियों का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर विजेंद्र जैन, नवल किशोर आदि लोग मौजूद रहे। आचार्य प्रशांत पांडे जी, तो आप लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को जो सम्पन्न कराने में बहुत ही भूमिका निभाई, किस प्रकार इस कार्यक्रम को सम्पन्न करवाया आप लोगों ने, किस प्रकार इतनी सारी मेहनत की? ये बालाजी महाराज की विशेष कृपा हुई सारे बच्चों के ऊपर, और बच्चों ने आकर के हमसे राय ली। हमने कहा बाबा जी का कार्यक्रम है, हनुमान जी का कार्यक्रम है, और हनुमान जी की कृपा से संपन्न होगा। जबकि बहुत मौसम बहुत ख़राब था, फिर भी बालाजी की कृपा से बालाजी की अर्जियां लगाई गईं और सब भक्तों ने मिलकर के बालाजी से प्रार्थना की, और फिर मौसम बिल्कुल शांत रहा और कार्यक्रम बहुत अच्छा संपन्न हुआ। ये बालाजी की कृपा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत पांडे जी। श्रीमान जी आपका नाम?
आचार्य उदेश कुमार मिश्रा जी। आप कहाँ से हैं? लखनऊ। तो आपने जो इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में भक्त हनुमान कमेटी का जो सहयोग किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सारी भक्त हनुमान कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रीमान जी, आपका नाम? पीयूष अग्रवाल। आप लोगों ने किस प्रकार इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में इतनी अथक मेहनत की, किस प्रकार आपने भीरा के लोगों को, अन्य जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उन लोगों को क्या राय देना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, मार्गदर्शन देने वाले हम कोई नहीं है, मार्गदर्शन देने वाले वो हैं, और प्रोग्राम आदेश उनका था, करना हमें था, जो कि हम हर साल करते हैं। और आज हम लोग हिम्मत हार चुके थे, लेकिन फिर भी बालाजी की कृपा, लोगों का आशीर्वाद, लोगों का सहयोग, लोगों की प्रार्थना ने इतना असर दिया, जो बारिश भी नहीं हुई ना आंधी हुई, लोगों की अर्जियां काम करी और हमारा प्रोग्राम सफल हुआ, कार्यक्रम बालाजी का। तो एक बार जोर से बोलिए, जय श्री बालाजी महाराज। बोल बालाजी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष अग्रवाल जी। और ये हमारे श्रीमान जय श्री राम अभितोष शर्मा जी, जो बड़ा ही दूर से चलकर आए हैं हमारे इस भीरा के छोटी सी पावन धरती पे। बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि इन्होंने बड़े ही सुंदर से भजनों के साथ में इस कार्यक्रम को, मंच का, इस मंच को और इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने में पूर्ण भूमिका निभाई। तो श्रीमान जी, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप दो शब्द कहें, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने बहुत ही भूमिका निभाई है। जय श्री राम सभी को। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ इस कार्यक्रम में, जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी बालाजी महाराज का आदेश, और बाकी आप भीरा के सभी जितने भी बालाजी महाराज के सेवक हैं, उन सभी का इतना अथक प्रयास, इतनी अथक मेहनत, जो इस मौसम में भी बालाजी महाराज की सेवा की है और जी जान लगा करके इस कार्यक्रम को आप सभी के जरिए सफल बनाया गया है, और निमित्त निमित्त रहता है बाकी बालाजी महाराज प्रभु सब कारण। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अनमोल अवस्थी की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।